दोस्तों स्वागत है आप सबका कुकीज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल ओरियो मिल्क शेक। चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं टेस्टी एंड यमी ओरियो मिल्क शेक। पहले हम ग्लास को मेल्टेड चॉकलेट से डेकोरेट कर लेते हैं। ऐसे अनइवन हम इसे स्प्रेड कर देंगे। ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ छोटा ओरियो पैकेट ले लिया है जिसमें 5 बिस्किट हैं। इसे हम डाल देते हैं ब्लेंडिंग जार में। इसके साथ हम ऐड करेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, ऐड करनी है हमें 2 टेबल स्पून। आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आएगा इससे। 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम ऐड कर देते हैं। इसमें हम चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बिस्किट्स जो लिए हैं उसे हमने क्रीम के साथ ही ऐड कर दिया है। चलिए इसमें 1-2 आइस पीसेस डाल देते हैं। थोड़ा सा चिल्ड मिल्क ऐड कर देंगे। चलिए थोड़ा सा ऐड करते हैं ठंडा दूध और इसे चंग कर लेते हैं। लीजिए रेडी है हमारा यमी डिलीशियस मिल्क शेक। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए हमारा यमी डिलीशियस ओरियो मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे टॉप अप करते हैं वेनिला आइसक्रीम से। 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे थोड़े से बादाम से। मैंने यहाँ बादाम को चॉप कर लिया था। उसे गार्निश करते हैं ओरियो बिस्किट से। थोड़ा सा हम ऊपर ओरियो बिस्किट को तोड़कर डाल देंगे। ये लीजिए हमारा यम्मी डिलीशियस ओरियो मिल्क शेक रेडी है। लीजिए तैयार है हमारा यमी डिलीशियस ओरियो मिल्क शेक। बस मिनटों में रेडी हो जाएगा। बच्चों से लेके बड़ों का सबका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर का हमारा ओरियो मिल्क शेक। आप कब बना रहे हो ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। चॉकलेट फ्लेवर हर किसी का फेवरेट होता है, खासकर बच्चों का जो ओरियो बिस्किट खाते हैं। तो उन्हें आप इस तरह से ओरियो मिल्क शेक बनाकर दे सकते हैं बिल्कुल मिनटों में। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।